हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को जिसका नाम है लव, और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 6.1 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक न्यूड सीन देखते हैं। इस सीन में हम मर्फी और इलेक्ट्रा को देखते हैं, ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद हम मर्फी को एक लड़की के साथ सोता हुआ देखते हैं। इस लड़की का नाम ओमी होता है। उनका एक छोटा बेबी भी होता है जिसे मर्फी अपनी गोद में उठाकर लाता है और उसे अपने वाइफ ओमी को दे देता है। और यहाँ हमें पता चलता है मर्फी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड इलेक्ट्रा को बहुत मिस कर रहा है। अब 3 साल हो चुके हैं और वो अब एक दूसरे के टच में नहीं है। फिर मूवी से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं मर्फी इलेक्ट्रा को फ़ोन कर रहा होता है। फ़ोन इलेक्ट्रा की माँ उठाती है और मर्फी को दोबारा फ़ोन ना करने के लिए कहती है। फिर मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और इलेक्ट्रा की माँ मर्फी को फ़ोन पर बताती है इलेक्ट्रा 3 महीने से लापता है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी टेंशन हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रा के माइंड में सुसाइडल थॉट भी चल रहे थे और उन्हें इसी बात का डर है कि कहीं उसने खुद को कुछ कर ना लिया हो। इसके बाद मॉर्निंग में हम देखते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर ओमी मर्फी के पेट को देखकर उसे ताना देती है और कहती है ऐसा लग रहा है जैसे तुम प्रेग्नेंट हो। इसके बाद मर्फी के वॉइस ओवर से हमें पता चलता है ओमी के लिए वो कुछ भी फील नहीं करता, वो सिर्फ अपने बेटे की केयर करता है और उसे डर है ओमी उसके बेटे को गे ना बना दे। फिर वो बताता है उसके जैसे बच्चे कैसे पैदा होते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम ओमी और मर्फी को इंटीमेट होता हुआ देखते हैं और ओमी मर्फी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और मर्फी को अपनी प्रेगनेंसी किट दिखाती है। मर्फी फिर उसे दोबारा से टेस्ट करने के लिए कहता है लेकिन इस बार भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है। मर्फी ओमी से कहता है इसके बारे में वो इलेक्ट्रा को बताना चाहता है, वो इसके बारे में उससे झूठ नहीं बोल सकता। ये मर्फी का रूल है कि अगर तुमसे कुछ भी गलत होता है तो उसे एक्सेप्ट करो। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहां हम देखते हैं मर्फी को लगता है ओमी ने उसे पागल बनाया है और उसके साथ जब वो बेड शेयर करता है तब उसे लगता है कि वो किसी CIA के साथ बेड शेयर कर रहा है। उसका घर जो कभी उसका हुआ करता था अब उसे एक जेल लगने लगा है जहाँ पर कोई भी प्राइवेसी नहीं रह गई है। फिर वो एक बुक से गोली निकालता है जो एक जानलेवा गोली होती है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें पता चलता है ये गोली इलेक्ट्रा ने ही उसे दी थी। मर्फी इलेक्ट्रा से कहता है क्या मैं इसे अभी खा सकता हूं? तब इलेक्ट्रा कहती है नहीं, ये सिर्फ उस टाइम के लिए है जब हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बुरे दिन आएंगे। उसी टाइम पर मर्फी इलेक्ट्रा को बताता है ओमी प्रेग्नेंट है। इलेक्ट्रा फिर उससे पूछती है किसकी वजह से। इसके बाद वो मर्फी को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद हम अगले सीन में एक क्लब में मर्फी को अपने दोस्त के साथ देखते हैं जहाँ पर मर्फी इलेक्ट्रा को किसी और लड़के के साथ डांस करता हुआ देखता है। उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मर्फी इलेक्ट्रा से बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि वो उस लड़के के साथ डांस क्यों कर रही है। इलेक्ट्रा उससे कहती है तुम जाओ और उसके साथ बच्चे पैदा करो। मर्फी कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इलेक्ट्रा कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ओमी का अबॉर्शन करवा देते। मर्फी कहता है मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, तुम मुझे सिर्फ जेलस फील कराने के लिए इस लड़के के साथ डांस कर रही हो। इलेक्ट्रा उस पर काफ़ी चिल्लाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं घर पहुंचकर मर्फी इलेक्ट्रा को कॉल करके आई लव यू कहता है। इलेक्ट्रा उससे कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फिर वो उसके घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो देखता है वो जूलियो के साथ है जो मर्फी का फ्रेंड होता है, और वो इलेक्ट्रा से कहता है क्या तुम इसके साथ इंटीमेट हो रही हो। इलेक्ट्रा उसे घर से निकाल देती है। इसके बाद वो जूलियो को कॉल करता है और कहता है क्या तुम इलेक्ट्रा के साथ इंटीमेट हो रहे हो। जूलियो उसे समझाता है कि वो उसके साथ कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे ही इनमें काफ़ी टाइम बात होती है। इसके बाद जूलियो फ़ोन कट कर देता है। मर्फी को इलेक्ट्रा के साथ बीते हुए दिन याद आते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रा मर्फी से उसकी सबसे बड़ी फैंटेसी के बारे में पूछती है। इसके बाद वो अपनी फैंटेसी के बारे में बताती है और वो कहती है वो एक ब्लॉन्ड लड़की और मर्फी के साथ थ्रीसम करना चाहती है। मर्फी भी उसे कहता है वो भी किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होना चाहता है। फिर यहाँ पर एंट्री होती है ओमी की जो मर्फी की न्यू नेवर होती है। ये लोग एक साथ लंच कर रहे होते हैं और यहाँ पर ओमी की बातों से पता चलता है वो अपनी माँ की नाजायज़ औलाद है। उसे नहीं पता आखिर वो किसकी बेटी है। वो इलेक्ट्रा से पूछती है क्या उसने कभी अबॉर्शन करवाया है। इलेक्ट्रा मना करती है। फिर मर्फी भी मजाक में कहता है उसने भी कभी अबॉर्शन नहीं करवाया। इसके बाद तीनों एक ही बेड पर घबाकप करना शुरू कर देते हैं। फिर मर्फी और ओमी इलेक्ट्रा के सामने ही इंटीमेट होते हैं। फिर जब इलेक्ट्रा मर्फी के साथ नहीं होती तब भी मर्फी ओमी को देखता है।
इसके बाद हम मर्फी को फिर से ओमी के साथ घपाघप करते हुए देखते हैं। इसके बारे में इलेक्ट्रा को पता नहीं होता। इसी सीन के बाद से ओमी प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और मर्फी इलेक्ट्रा की न्यूड फोटोज देख रहा होता है। कहानी काफी टाइम फ्लैशबैक में भी जाती है, जहाँ पर हमें मर्फी को काफी बार इलेक्ट्रा के साथ इंटीमेट होता हुआ दिखाया जाता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है इनकी मुलाकात पेरिस में हुई थी। इनके बीच एक कॉफी डेट हुई थी, जिसके बाद उन्होंने घपाघप करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद मर्फी इलेक्ट्रा का न्यूड फोटो शूट करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं इलेक्ट्रा मर्फी को अपनी मॉम से मिलाने ले जाती है। इलेक्ट्रा के जाने के बाद मर्फी की मॉम मर्फी से पूछती है, क्या तुम ड्रग्स लेते हो? क्योंकि ड्रग्स उन्हें इलेक्ट्रा के अपार्टमेंट से मिला था और इलेक्ट्रा कभी ड्रग्स नहीं लेती, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था शायद मर्फी ड्रग्स लेता है, लेकिन मर्फी भी मना कर देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं इलेक्ट्रा और मर्फी दोनों ही ड्रग्स लेते हैं और ये ड्रग्स मर्फी के फ्रेंड जूलियो ने उन्हें दिया था। जूलियो का नंबर मर्फी के फोन से इलेक्ट्रा ने निकाला था। वो फिर से जूलियो के पास आते हैं और ड्रग्स मांगते हैं, जहां पर मर्फी कहता है जूलियो मेरा फ्रेंड है, कोई ड्रग डीलर नहीं है। इसके बाद वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर मर्फी को एक लड़की जिसका नाम पाउला होता है मिलती है। फिर वो लोग वहां पर प्यार और अपनी हवस मिटाने की बातें करते हैं। इसके बाद पाउलो मर्फी से कहती है वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। फिर वो मर्फी को अपने साथ बाथरूम में लेकर जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, जहां पर मर्फी कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है। पाउला कहती है मेरा भी बॉयफ्रेंड है। फिर वो लोग कहते हैं क्या हम ये सब सीक्रेट रख सकते हैं? पाउला कहती है हाँ, मुझे सीक्रेट पसंद है। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मर्फी के बाहर आने के बाद इलेक्ट्रा उससे उसकी पैंट की जिप बंद करने को कहती है। इसके बाद वो कहती है क्या तुम बाथरूम में उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे? मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है। मर्फी कहता है वो सिर्फ मुझे किस करना चाहती थी। फिर इलेक्ट्रा कहती है मैंने भी तुम्हें चीट किया है, एक हफ्ते पहले मैं किसी लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी। ये सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वो ऐसे ही लड़ते हुए घर जाते हैं, लेकिन घर जाने के बाद फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रा की पेंटिंग एग्जीबिशन के टाइम पर मर्फी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और एक आदमी के सर पर बोतल फोड़ देता है, क्योंकि उसे लग रहा था वो इलेक्ट्रा के साथ इंटीमेट हुआ था। इसके बाद अगले सीन में मर्फी को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहाँ पर भी वो इमेजिन करता है इलेक्ट्रा उस आदमी के साथ इंटीमेट हो रही है। यहाँ पर मर्फी पुलिस के सामने अपनी बात रखता है। वो बताता है आखिर क्यों उसने उस आदमी के सिर पर बोतल मारी थी। इसके बाद पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। फिर मर्फी इलेक्ट्रा से कहता है आदमी को सिर्फ आदमी ही समझ सकता है। वो पुलिस वाला काफ़ी अच्छा इंसान था, लेकिन इलेक्ट्रा उसके बिहेवियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी और यहाँ से वो चली जाती है। लेकिन रात में वो दोनों फिर से एक बार इंटीमेट हो जाते हैं। फिर वो एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर सब एक दूसरे के साथ घपाघप करने में लगे हुए थे। मर्फी और इलेक्ट्रा भी अलग अलग लोगों के साथ घपाघप करने लगते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रा मर्फी को फिर से थ्रीसम करने के लिए कहती है। इस बार मर्फी मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। इसके बाद हम उन दोनों के एक पार्क में देखते हैं, जहाँ पर वो इलेक्ट्रा से पूछता है आखिर लाइफ का मतलब क्या है। इलेक्ट्रा कहती है प्यार। इसके बाद मर्फी उसे किस कर लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से उनका नाम पूछते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर ये क्लियर होता है ये इनकी पहली मुलाकात थी और यहीं से इनका रिलेशनशिप शुरू हुआ था। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं और इलेक्ट्रा मर्फी से कहती है प्रॉमिस करो हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद इलेक्ट्रा कहती है वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, दर्द को सहने से अच्छा है वो सुसाइड कर ले। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और मर्फी विश करता है इलेक्ट्रा के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो और वो चाहता है वो उसी रात में वापस चला जाए जहाँ पर वो इलेक्ट्रा के साथ पहली बार इंटीमेट हुआ था। लास्ट में हम मर्फी को अपने बेटे के साथ बाथटब में रोते हुए देखते हैं और वो अपने बेटे से सॉरी कहता है कि लाइफ इतनी इजी नहीं होती, तुम बड़े हो जाओगे तब सब कुछ समझ जाओगे। इसके बाद हम लास्ट में मर्फी को इलेक्ट्रा को इमेजिन करते हुए देखते हैं। वो इलेक्ट्रा से धोखा करने के लिए उससे माफ़ी मांगता है। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अब मैं आपको इस मूवी के एंडिंग एक्सप्लेन करता हूँ। मूवी में यह हुआ था इलेक्ट्रा के दूर जाने के बाद मर्फी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वो अपने छोटे बेटे के साथ भी ठीक नहीं था, वो अपनी वाइफ से भी प्यार नहीं करता था, वो सुसाइड करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन लास्ट में उसने अपने प्यार और अपने बेटे के बीच में अपने बेटे को चुना और इलेक्ट्रा और मर्फी को लास्ट में एहसास हो जाता है कि वो वैसे नहीं है जैसा होने का उन्होंने सपना देखा था।
प्रेजेंट में मर्वी उस रात को जब वो दोनों पहली बार मिले थे फिर से जीने का एक और मौका देने के लिए गॉड से प्रेयर करता है और चुपचाप अपने बाथटब में रोता है। वो अंदर से काफी पेन महसूस करता है और आखिरी बार इमेजिन करता है कि क्या हो सकता था अगर उसने उस दिन सही डिसीजन लिया होता। वो प्रेग्नेंट इलेक्ट्रा को बाथटब में आराम देते हुए देखता है। ओमी उसको देखती है और उसे उसके हाल पर छोड़ देती है। वो ये जानती है वो जो कुछ भी कर रहा है इससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि वो वैसे भी ओमी की तरफ ध्यान नहीं देता। तभी उसे उसका बेटा दिखाई देता है और वो उसे कसकर पकड़ लेता है और उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसे पता है वो कभी भी एक अच्छा पिता और अच्छा पति नहीं बन पाया। फिर वो अपने बेटे को बहुत प्यार करता है। और रही बात इलेक्ट्रा की, वो दोबारा कभी नहीं मिली, या तो उसने सुसाइड कर लिया या फिर वो कहीं दूर चली गई। इस तरह से वो अपनी फैंटेसी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी और अपने बॉयफ्रेंड दोनों से दूर चली गई। इसके बाद मर्फी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के नाम कर दी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।